नमस्कार बाल मित्रों, आज हम आपके समक्ष उत्तम पूरक कोण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ से बी और सी एक किरण है, उसकी विपरीत किरण बी और ए है। इस विपरीत किरण एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पर अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त का कोण 180 अंश का होता है और पूर्ण वृत्त का कोण, एक पूर्ण वृत्त जो होता है उसका, उसमें 360 अंश के कोण बनते हैं। तो अर्धवृत्त पर 180 अंश का कोण बनता है। यानी देखो, यहाँ से ये हुआ अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त कितने अंश का हुआ, 180 अंश का। अर्थात एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। अब बी और डी एक किरण खींचने पर हमें दो कोण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से कोण? डी बी सी और कोण ए बी डी। इधर से भी कह सकते हैं इसको डी बी ए, यानी दो कोण हैं और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है। तो जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। इस प्रकार कोण ए बी डी तथा कोण डी बी सी परस्पर संपूरक कोण हैं। यहाँ पे संलग्न आकृति में रेखा ए सी दी गई है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी रेखा की बात करें तो ये रेखा ए सी है। रेखा पर स्थित बिंदु बी, रेखा पर स्थित ये बिंदु है बी, बी यहाँ से बी डी खींची गई है। तो यहाँ कितने कोण हैं? यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। ए बी बराबर कितना? ए बी कितना है ये और ये कितना है? अगर हमको किसी एक कोण का माप दिया हो तो हम दूसरे कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कोण पूरे सी रेख पर कोण बन रहा है वो 180 अंश का है। मान लो इसका माप 40 अंश है और ये पूरा 180 अंश है, तो इस कोण का माप ए बी डी का माप 140 अंश होगा। दोनों को और इसको जोड़ने पर 180 अंश होता है। ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। अब आते हैं, आगे देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का निरीक्षण करो तथा चौखट में उचित संख्या लिखो। यहाँ कोण दिया है पी क्यू आर, उसका माप है 110 अंश, और कोण एम एन टी इसका माप है 70 अंश। पी क्यू आर का माप कितना दिया है? 110 अंश, यहाँ 110 लिखो। एम एन टी का माप कितना है? 70 अंश, यहाँ 70 लिखो। एम कोण पी क्यू आर धन एम कोण एम एन टी बराबर दोनों को जोड़ देने पर 110 और 70 बराबर 180। तो ये दोनों कोण, कोण पी क्यू आर तथा कोण एम एन टी परस्पर संपूरक कोण हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। 135 अंश माप वाले कोण के संपूरक कोण का माप ज्ञात करो। संपूरक कोण पी का पी जीरो मानो। संपूरक कोण का माप पी अंश मानो। संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। 135 धन पी, 135 माप मालूम है और पी मालूम नहीं है, पी को हमको ज्ञात करना है। तो पी बराबर 135 धन पी जोड़ने पर होता है 180 अंश। 135 धन पी, ये समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से 135 में से 180 में से 135 घटा देने पर पी बराबर 45 अंश, यानी 135 अंश माप वाले कोण के संपूरक कोण का माप 45 अंश होता है। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए धन 30 अंश तथा 2 ए अंश परस्पर संपूरक कोणों के माप हों तो प्रत्येक कोण का माप कितना हो? यहाँ दो कोण दिए गए हैं, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा? 180 अंश। ए धन 20, एक धन 30 ये एक कोण हो गया और 2 ए ये एक कोण हो गया। अब इन
यहाँ दो कोण दिए गए हैं, ए धन 30 धन 2a, ये एक अलग कोण है, ये एक अलग कोण है, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, तो 3a बराबर 180 ऋण 30। अब यहाँ पे ये 30 है क्योंकि यहाँ धन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर समीकरण करने के लिए इसको यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। 3a बराबर कितना हो गया 150, a बराबर क्योंकि ये 3a है, इसका 3 गुना है तो इसमें 3 का भाग देंगे तो a बराबर 50, यानी 3a ये का माप कितना हो गया 150 और इसका माप हो गया 2a। अब a बराबर कितना हो गया 50, तो अब a धन 30, a कितना है, a बराबर 50 है, उसमें 30 जोड़ देना है, तो 50 में 30 जोड़ दिया 80 अंश हो गया। अब 2a यहाँ पे एक और कोण दिया गया था 2a, 2a का मतलब है कि दो a है, a में 2 का गुणा करना, a बराबर कितना है 50, तो 2 गुणे 50 यानी 100। अब ये कितना हो गया, a धन 30 का माप कितना हो गया 80 और 2a का माप हो गया 100, दोनों को जोड़ देने पर हो जाता है 180 अंश, अर्थात ये दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं, 80 अंश तथा 100 अंश के हैं। आज बस इतना ही, और इसके साथ तुम्हें प्रश्न संग्रह 17 के जो प्रश्न हैं वो तुम्हें हल करने हैं। यहाँ पे दिया है ये उदाहरण, एक उदाहरण एक याद दिया गया है, इस उदाहरण की सहायता से ये प्रश्न को हल करना है, और नीचे कुछ कोणों के माप दिए गए, उन संपूरक कोणों तथा कोटपूरक की जोड़ी बताओ। जोड़ी बताने के लिए 180 में से 60 घटा दो, सबको 180, उसमें से संपूरक तथा कोटिपूरक कोणों की जोड़ियाँ बताना है। कोटिपूरक के लिए 90 में से घटाना है, और संपूरक कोण के लिए 180 में से घटाकर ये कोण हमें प्राप्त किए जा सकेंगे। यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड में यम कोण वाई 90 अंश हो तो कोण एक तथा जेड में किस प्रकार का संबंध होगा, वो किस प्रकार के कोण होंगे, वाई तथा कोण एक्स तथा कोण वाई तथा जेड में कोटपूरक कोणों की जोड़ियों के मापों में 40 का अंतर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। 40 का अंतर हो मानी जो कोटपूरक कोण है और उसमें अगर 40 का अंतर हो तो कोण का माप ज्ञात करना है। इस आधार पर तुम्हें प्रश्न संग्रह 17 के प्रश्न हल करने हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।